Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper 1 for teaching aptitude class. And today we are going to cover the topic level of teaching. ठीक है, तो हम ढेर सारे टॉपिक्स जो हैं वो UGC NET के कवर किए हैं अभी तक. दिस इज आवर 8th क्लास. ठीक है, इसमें से पहले हमने फेजेस भी कंप्लीट कर लिए. अब फेजेस के बाद अब हम बात करेंगे किस पे, लेवल पे. ठीक है, तो मोटा मोटा तो आप जानते ही हैं लेवल्स के बारे में, तो हम चलेंगे और धीमे धीमे से पूरी अच्छी तरह से. आज जो है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आज की, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, क्योंकि आज जो तीनों लेवल हैं टीचिंग के, वैसे तो चार होते हैं, ALT भी उसमें आ जाता है, और मेनली जो रहते हैं टीचिंग के डोमेन में जो मेनली रहते हैं, दे आर थ्री लेवल्स. ऐसे एक्चुअल में थ्री डोमेन भी होते हैं और उनको आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैड अ टॉक ऑन इट इन प्रीवियस क्लासेस. सो टुडे वी विल डिस्कस अलॉट ऑन लेवल्स ऑफ टीचिंग. सो लेट्स स्टार्ट. वी ऑल नो दैट द टीचिंग इज ए पर्पजफुल एक्टिविटी. एक पूरा पर्पज रहता है हमें कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने वाले हैं. दैट इज इंटेंडेड एक्टिविटी. ओके, प्री प्लान्ड एक्टिविटी. थ्रू टीचिंग अ टीचर brings a desirable change in learner. अच्छा, होता क्या है ultimately, हम क्या होता है उसकी जो personality है उसमें हम change करते हैं. ठीक है, both concepts teaching and learning are interrelated, or हम इसके लिए और एक और अच्छा word बोलते हैं interwoven, एक दूसरे से बुने हुए हैं एक तरह से. ठीक है, so development of all around personality of the learner. ठीक है, सर्वांगीण विकास की बात करता है, सर्वांगीण डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करता है. फाइनल गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. ठीक है, तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है, देन यू हैव टू गो विद द ऑल अराउंड पर्सनैलिटी और ऑल अराउंड डेवलपमेंट. राइट, सो ड्यूरिंग द टीचिंग इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एक्सपीरियंस्ड और मोर नॉलेजेबल पर्सन टीचर or inexperienced person or less experienced person, we can say that is student. One end is the donating end is teacher, and on the receiving end there is a students. Here the main aim to bring the change in the behavior of the students. ठीक है, चाहे वो behavior आपका subject के प्रति हो, चाहे वो behavior आपका कंट्री के प्रति हो या सोसाइटी के प्रति हो. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम चेंज इन बिहेवियर लेके आते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, सो दैट आर स्टूडेंट कुड डू बेटर इन ईच एंड एवरी फील्ड टू हुम दे विल कनेक्ट विद. चलिए ठीक है, अभी हम प्रीफेस इसका जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं आपके. सबसे पहले आता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल. ठीक है, इसको नेचुरल लेवल भी बोलते हैं. ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADL, Autonomous Development Level. अच्छा, इसकी जो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम अभी बाद में, पहले अभी इन सारी चीज़ों को आप जान लीजिए. दूसरा है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है, इसमें क्या रहता है, थॉटलेस टीचिंग इसमें रहती है. ठीक है, इसमें क्या रहती है, नेचुरल टीचिंग, अपने आप से सीखना. आप कैसे कैसे है उस पर हम बाद में बात करेंगे. थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ULT. ये काफी अहम है, बहुत ज्यादा थॉटफुल टीचिंग इसको बोलते हैं. ठीक है, देन फोर्थ वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और इसको अपर थॉटफुल लेवल भी बोलते हैं, और RLT लेवल भी इसको बोलते हैं. अच्छा, जनरली जो पहला वाला यहाँ टीचिंग लेवल मैंने लिखा हुआ है, इसको बहुत ज्यादा कई बुक्स इसको कंसिडर करती हैं, कई बुक्स इसको कंसिडर नहीं करती. बट अगर मैंने इसको इसमें इंकल्केट इसलिए किया है कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो दैट क्वेश्चन शुड नॉट एस्केप फ्रॉम योर आईज. ओके, सो जनरली जो रहता है, मोस्ट ऑफ बुक्स जो होती है वो इन तीन लेवल को करती है. कौन सा, MLT, ULT और RLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. अच्छा, ये भी जैसे डेवलपमेंट का लेवल होता है, उसी तरह से आप इसको समझ लीजिए कि ये भी एज द रेज या फिर ऑटोमेटाइजेशन ऑफ वन लेवल जंप इनटू द अनदर लेवल. राइट, ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं किस पे, पहले लेवल पे। पहला क्या था, एडीएल, क्या नाम था इसका, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टूडेंट सेंटर डेवलपमेंट लेवल। ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। कैसे, अभी तो अभी जब अगला आएगा, अगला वाला जिसमें हम एमएलटी की बात करेंगे, मेमोरी लेवल की, तो फिर वो आप उसमें आएगा, वो टीचर सेंट्रिक हो जाएगा। उस टाइम पर फिर आप कहेंगे कि पहले तो सबसे पहला लेवल तो स्टूडेंट सेंट्रिक था, फिर डेवलपमेंट टीचिंग सेंट्रिक के बाद स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ कैसे आया। तो चलिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसको समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। इसका कई एक बार गलत इंटरप्रिटेशन लोग कर लेते हैं और उसकी वजह से बड़ा परेशान रहते हैं, ठीक है। सो देयर इज ए लिटिल और नो लीडरशिप। यहाँ किसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का प्रेशर आपने नहीं देना अपने स्टूडेंट को, प्रिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं, इम्पोजिशन, नो नीड ऑफ स्टूडेंट थॉट एंड बिहेवियर। एक्चुअली होता क्या है कि एकदम कहते हैं पूरी तरह से जब 100% बच्चा है उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, जो कुछ भी मालूम है अपने इंटेलिजेंस से, खुद की जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसका, उसके थ्रू उसको जो मालूम है चीजें, ठीक है। या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज समथिंग जस्ट नेचुरली, मतलब खुद से सीख रहा है या नेचर से सीख रहा है, आप प्लान्ड स्टडी नहीं करा रहे हैं उसको कुछ भी, ठीक है। तब इस लेवल में जो भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, एडीएल में आ जाएंगी, ठीक है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल मतलब स्वतः विकास होता है इस लेवल में, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की प्री प्लान्ड या ये सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। ऑब्वियस द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा लेवल है टीचिंग का जिसमें आपकी फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं होती है, तो आंसर इज एडीएल, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन अनदर लेवल। अच्छा, ये तीनों लेवल जो है वो अब आगे आने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरा अच्छे से और गौर से समझिएगा, ठीक है, तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी टीचिंग फेजेस को समझने के लिए। सबसे पहले इसके प्रोपोनेंट कौन है, हार्वर्ड, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हार्वर्ड इज द प्रोपोनेंट ऑफ एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, अदर नेम ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग इज थॉटलेस टीचिंग, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसको इनिशियल लेवल भी, इनिशियल स्टेज भी बोला जाता है किसकी, टीचिंग की। अब एक चीज आप और याद रखिए, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, एडीएल, ठीक है। तो एडीएल में हम क्या देख रहे थे, एडीएल को फर्स्ट लेवल बोला था हमने, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें जो भी टीचिंग थी वो क्या थी, नेचुरल थी, क्या थी, नेचुरल टीचिंग थी। उसमें किसी भी तरह की फॉर्मल टीचिंग पे जोर नहीं दिया गया था, किसी टीचिंग पेडागोजी पे जोर नहीं दिया गया था, किसी टीचिंग एनवायरमेंट को, मतलब प्री प्लान्ड एनवायरमेंट को यूज नहीं किया गया था। वी वर यूजिंग जस्ट द नेचुरल एनवायरमेंट एंड वी वर एनालाइजिंग दैट हाउ द चिल्ड्रन आर बिहेविंग एंड इंटरेक्टिंग विद द नेचुरल एनवायरमेंट एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या बोला जाता है, रियली में इनिशियल स्टेज को बोला जाता है। इट इज द फर्स्ट थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। इट इज कंसंट्रेटेड विद द मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन लिविंग बींग, ठीक है। ये किस पे, ये किस पे काम करता है, ये काम करता है मेमोरी पे एंड मेंटल एबिलिटी पे। कैसे, जब आपके पास अच्छी मेमोरी है तो आपको जो भी चीजें याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए दी जाएंगे तो आप उसको याद रख पाएंगे। जब आप किसी चीज को लंबे समय तक याद रखते हैं तो फिर दोबारा से जब आपको आगे आने वाली क्लासेस में, जब प्राइमरी एजुकेशन में जब आपको मेमोरी लेवल की टीचिंग कराई जाएगी और फिर सीनियर क्लासेस में आप जाते हैं, तो होता क्या है कि टीचिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो इंटग्रेट होते रहते हैं और वही जो है हम क्या कह सकते हैं, इंटग्रेशन होता रहता है उन्हीं का, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंस में आप समझ पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग समथिंग यू इन दिस क्लास एंड यू आर नॉट पेइंग द अटेंशन, डेफिनेटली इन कमिंग क्लास यू विल गेट इन ट्रबल। While I will say the example like that we have already covered it in previous classes, then you will think that oh what happened in previous class, I'm not aware of it. So इस तरह की problem आपको हो सकती है, right?
और हो क्या सकती है, डेफिनेटली होंगी। तो टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, अगर लोवेस्ट लेवल की बात करी जाती है तो भी इसी का नाम आएगा। लोवेस्ट नेचुरल लेवल की बात की जाएगी तो एडीएल की बात होगी, ठीक है। एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले अ रोल, ठीक है, सोचना वोचना नहीं है बहुत ज्यादा, क्या करते हैं, अभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत छोटे बच्चे हैं, जस्ट आप उनको अल्फाबेट सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको बोल आप बोलते हैं, देन आस्क आप करते हैं कि चलो बेटा आप बोलो, तो छोटे छोटे बच्चों से आप ऐसे तो नहीं करते कि वो मतलब जब उन्हें आपने अल्फाबेट नहीं सिखाया हुआ है तो वो स्पेलिंग सीखने लग जाए, थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो हम पहले क्या कराते हैं, उनको मेमोराइज कराते हैं, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती है उनकी उस टाइम में, ठीक है। सो स्टूडेंट ओनली क्रेम द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज लॉज आर टॉट टू देम, तो उनको क्या करते हैं उस टाइम पे स्टूडेंट, उस टाइम पे जो जो इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, फॉर्मूले दिए हुए हैं और लॉज दिए हुए हैं, विदाउट हैविंग दियर इंटेलेक्चुअल यूज नॉलेज ऑफ इंटेलेक्चुअल यूज दे जस्ट मेमोराइज, ठीक है, वो उनको क्या करते हैं, वो उनको मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग सब्जेक्ट मैटर बाई रोट, ठीक है, ये बात किसने कही है, बिगी और मॉरिस ने 1967 में। और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है इसमें टीचर का, और सेकेंडरी रोल है किसका, स्टूडेंट का, क्योंकि टीचर जो भी आप अपने बच्चों को याद करने के लिए देंगे वही आपका बच्चा क्या करेगा, वो याद करेगा, और उससे ही जो आगे आने वाली फोर्थ कमिंग क्लासेस हैं, वी विल प्रिपेयर द रोड मैप, राइट। द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान, इसमें पूरी तरह से प्री ऑर्गेनाइज होता है मटेरियल, और हम जो है उसको डिलीवर कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का एक लेसन प्लान जो होता है, ब्लूप्रिंट पहले टीचर तैयार करता है और फिर उसी सीक्वेंस में उसको डिलीवर करता है, जिससे कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो बड़ा आसानी से उसको ग्रैब कर पाए, ठीक है। टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल्स इन अ सीक्वेंस इन द लॉग, नाउ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लैक इनसाइट, मतलब अंतर्ज्ञान की चीज नहीं है बहुत ज्यादा, साइकोलॉजिकली इट इज कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस बात पे आता है कि कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग पे जो बहुत ज्यादा जोर किस लेवल में दिया जाता है, तो वो एमएलटी लेवल, ठीक है। चलिए अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखें, ठीक है। सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सॉरी मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल, सो यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस, ये छोटी क्लासेस के लिए यूजफुल होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द देयर इंटेलेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव रोट मेमोरी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि यूजफुलनेस इसकी क्यों है छोटे बच्चों में, क्योंकि लोअर लेवल में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चों का नहीं हुआ होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बेस लाइन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, रोट मेमोरी उनको देने की पूरी भरकर प्रयास करते हैं उसमें, ठीक है। द रोल ऑफ टीचर इज एन इम्पॉर्टेंट इज द लेवल ऑफ टीचिंग दैट ही इज फ्री टू मेक चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट इट एट विल, तो रोल ऑफ टीचर का इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये सोलली डिपेंडेंट ऑन द टीचर कि क्या उसको बच्चे को पढ़ाना है, बिकॉज इन दैट इन दिस लेवल द स्टूडेंट डजंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, he will only learn what the teacher teaches him, right? So subject matter, ये सारा का सारा plan, ठीक है, और presentation, सब किसकी जिम्मेदारी होती है, teacher की जिम्मेदारी होती है, even that evaluation वगैरह भी और correction वगैरह भी सब teacher को ही करना है, क्योंकि actually होता क्या है कि अभी आप देखो, अगर आपको sports की दुनिया में मैं बात करूँ, बहुत जल्दी से आप सीख जाएंगे, तो क्या होता है, शुरुआत में अगर कोई भी skill जो है वो गलत acquire होगी तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। कई एक गेम्स में आपने देखा होगा कि किसी का स्टांस लेने का अंदाज जो है वो अलग है,
ठीक है, अभी आप धोनी का बैटिंग स्टाइल देखिए, जब आप देखेंगे कि वो कैसे फेस करते हैं बॉल को, तो आप देखेंगे वो टोटली डिफरेंट देन दैट ऑफ एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन और विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। दे आर टोटली डिफरेंट एंड एंटायरली डिफरेंट द स्टाइल ऑफ सौरव गांगुली एंड शिखर धवन ऑल्सो, बट बोथ आर लेफ्ट हैंडर। सो ऑन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई दैट वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट टू से यू, राइट? द नॉलेज अक्वायर एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म अ बेसिस फॉर द फ्यूचर व्हेन द स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इजंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आप इसको मिसप्रिंट हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप नहीं हुई होती है, हम प्रयास करते हैं इंटेलेक्चुअल से उसकी डेवलप करने के लिए, इसलिए मिलता है। ठीक है, सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एक्ट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, इसके बाद क्या होगी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बाद जब हम चीजों को रोट लर्निंग पे ले आते हैं, फिर उसके बाद क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, देन फाइनली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये क्या है, ये बेस लाइन प्रोवाइड करती है किसके लिए, बेस प्रोवाइड करती है किसके लिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए। ठीक है, चलिए, अब ये मोस्टली होता है कि जब मेरिट्स हैं तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी जरूर होंगी। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन डिमेरिट्स। चलिए डिमेरिट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज की बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि कैपेबिलिटीज का बिल्कुल यूज नहीं होता, एक मेमोराइज करना भी एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है, राइट? सो टू मेमोराइज द थिंग इज ऑल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बट एट ग्रॉस लेवल अगर हम ये कहें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ये करती नहीं है किसकी, स्टूडेंट की और जो क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आदमी है, अगर वो सिर्फ सुन रहा है और वो अपना दिमाग का यूज नहीं कर रहा है, तो हाउ यू कैन डेवलप द इंटेलेक्चुअल शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट? सिंस दिस लेवल स्टूडेंट लर्न बाय रोट लर्निंग से सीखते हैं, द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड डज नॉट डेवलप द टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होती है और ये बड़े बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है टीचिंग। ठीक है, द पीपल आर कैप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रेमिंग इज इंस्टीड ऑफ दिस टीचिंग। ठीक है, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एन इम्पोर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। ठीक, नाउ वी विल मूव ऑन और टॉक अबाउट नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। द अनदर नेम ऑफ दिस यूएलटी इज थॉटफुल टीचिंग। तो ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली टीचिंग, क्योंकि ये टीचिंग और आरएलटी जो है वो मिलके बहुत बड़ा काम, हमारे रियल टीचिंग जो होती है वो यहीं से शुरू होती है, आप ये समझ लीजिए। तो मॉरिशन इज द प्रोपोनेंट ऑफ दिस वन। तो मॉरिशन का नाम आप याद रखेंगे, जैसे आपने हर्बर्ट का नाम रखा पिछले वाले में। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग परसीव द मीनिंग। यहाँ आके क्या होता है, मीनिंग समझ में आने लगता है, ग्रेट द आइडियाज हमें आने पड़ते हैं और हम क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। तो इस टाइप ऑफ टीचिंग में हम क्या करने लगते हैं, कॉम्प्रीहेंड करने लगते हैं, मतलब समझने लगते हैं चीजों को। ठीक है, मेनी टाइम इफ योर टीचर इज टीचिंग समथिंग रॉन्ग, दैट इमीडिएटली द स्टूडेंट से लाइक दैट, सर इवन दैट स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाती है कभी बोर्ड पे, अगर कोई टीचर लिख रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो रहते हैं या बच्चे स्पेलिंग बहुत जल्दी से एकदम ग्रैब करते हैं और वो कहते हैं सर स्पेलिंग। तो थिंग्स आर लाइक दिस कि इन दिस सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, सीइंग रिलेशनशिप एंड जनरलाइजेशन ऑफ इनसाइट, राइट? द टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज हायर क्वालिटी देन दैट ऑफ मेमोरी लेवल, राइट? इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मेंटल कैपेबिलिटीज। एंड इसमें रहता क्या है मोस्टली, कि इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रिलेशन होता है, ठीक है,
स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स. मतलब सिर्फ फैक्ट की बात नहीं होती, अगर कोई फैक्ट निकल के आ रहा है तो उस फैक्ट के पीछे भी क्या प्रिंसिपल्स हैं, या फिर जो नॉलेज आपको ट्रांसफर की गई है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है. मतलब वो उसके ओरिजिन से लेके पूरी डेवलपमेंट तक का प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू आया, हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करते हुए पूरी तरह से उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, टीचिंग हाउ दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल फॉर द जनरल पर्पस. मतलब उनके एप्लीकेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं. द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज द बैरियर एसेंशियल टू क्रॉस दिस लेवल फॉर टीचिंग. ठीक है, एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल हैज ग्रेटर मेरिट. दिस इनेबल्स द स्टूडेंट टू हैव द कंप्लीट कमांड ऑन द सब्जेक्ट मटेरियल. अच्छा, कंप्लीट कमांड की क्यों बात की जा रही है? अगर कंप्लीट कमांड की बात इसलिए करते हैं कि इसमें सिर्फ बच्चे मेमोराइज नहीं करते हैं, मेमोराइज करने के बाद सिंथेसाइज भी करते हैं उसको, अंडरस्टैंड भी करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और कंप्रीहेंड करने की पूरी कोशिश यहाँ पे जारी रहती है. ठीक है, इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रोल ऑफ टीचर इज मोर एक्टिव. द स्टूडेंट्स एट दिस लेवल आर सेकेंडरी. At this level, no cramming is increased. The new knowledge is acquired in this level and related to earlier knowledge to gain. अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, previous knowledge plus नई knowledge को get करते हैं और उनको एक correlate करके नई तरह से उसको interpret करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, so on the basis of fact and the fact are useful for new situation. ठीक है, new knowledge मतलब इस level से acquired करते हैं और acquired करने के बाद उनको generalization करते हैं. जैसे कि मैंने बताया synthesization के through क्या करते हैं, सारी चीज़ों को वो बच्चे जो होते हैं वो समझने लग जाते हैं आपका understanding level. और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि understanding level मतलब understand करने लग गए हैं, comprehend करने लग गए हैं. ठीक है, उनको समझ में आने लग गया है कि किस तरह से चले. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए किस तरह से ये काम करता है. ठीक है, ज्यादातर जो मॉडल्स हैं वो इसमें अप्लाई होते हैं यहाँ पर टीचिंग में. द अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर एडवोकेटेड फॉर द हर्बर्टेरियन स्टेप ऑफ टीचिंग. ठीक है, हर्बर्टेरियन स्टेप ऑफ टीचिंग की बात कही जाती है. अच्छा, हर्बर्ट ने कौन कौन से स्टेप लिए थे, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन, विच कैन बी एम्प्लॉयड टू द प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड टू द स्कूल. ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जो इनसाइड द क्लासरूम नॉलेज होती है उसको आउटसाइड द क्लासरूम ऑफ नॉलेज से कनेक्ट करते हैं. जैसा कि आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के 5 में दिया हुआ है. ठीक है, एट दिस लेवल ऑफ टीचर द टीचर एक्सप्लेन स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड फैक्ट and teach them how these principle can be applied at the understanding levels. The role of teacher is more active. Understanding level emphasize lays down to the identify the problem, defining and find out the solution to it. The student originally thinking about the creative ability develop at this level, right? In the understanding of the situation by using the critical ability succeed in solving problem. Role of teacher is level of teaching is democratic. मतलब यहाँ पे टीचर बच्चे की बात सुनता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है. इवन दैट यहाँ जो इंटरेक्शन रहता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो डेमोक्रेटिक तरीके का रहता है. अगर कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट को है तो वो प्रॉब्लम जो है टीचर के साथ शेयर करेगा, और टीचर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू फाइंड आउट और सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट. द रोल ऑफ टीचर इज लेवल ऑफ दिस टीचिंग इज डेमोक्रेटिक, डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स बट डेवलप देयर टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे. यहाँ फोर्सफुलनेस नहीं होती कि आपको जबरदस्ती ये चीज सीखनी है. अगर स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे वो डेफिनेटली वो स्टूडेंट जो है ना तो आपको फॉलो करेगा और ना ही आपकी चीजों पर ध्यान देगा.
नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है, एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट मेक यूज ऑफ दियर थिंकिंग. ठीक है, अपनी सोच का यूज यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ठीक रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ये क्या है, ये तो एक कॉमन सा पॉइंट है. ADL लेवल जो था वो किसके लिए बेस तैयार करेगा, आपका MLT लेवल के लिए. MLT लेवल किसके लिए बेस तैयार करेगा, ULT लेवल के लिए. और ULT लेवल अल्टीमेटली प्रिपेयर द बेस फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए. ये द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स इन ए ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंशियल फॉर्म. अच्छा, ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरह से पहले से ही मालूम है कि टीचर कभी भी जो स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करेगा अपना मटेरियल वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कभी भी नहीं होगा. चाहे किसी भी टीचिंग लेवल में चले जाइए, टीचिंग फेजेस में आप चले जाइए, ठीक है, किसी भी तरह की टीचिंग सिचुएशन में चले जाइए, ये नहीं होगा. अनसीक्वेंशनल होगा, वो प्रीप्लांट होगा, वो सीक्वेंशनल होगा. हो सकता है कि वो रोटो इन्वर्जन में हो, मतलब हम बैकवर्ड डिजाइनिंग से कर रहे हो. पहले रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट से इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, ठीक है, और इन्फ्रेंसेस के थ्रू फिर दोबारा से वहीं से प्रोसेस में घूमते हुए प्रिपरेशन से फिर दोबारा वापस आएंगे. ठीक है, लेकिन होगा जरूर सीक्वेंस में. ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लास में पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं किए हैं और आप सीधे सीधे कुछ पढ़ाने लग गए जाके. आपको पता नहीं है कि बच्चों की समझ का लेवल क्या है और आप जाके पढ़ाने लग गए, राइट? So first of all, if you go to the class, definitely you need to know the level of understanding of the students. Once you are fixed that that this is the level of a student, you need to start from there so that your student could understand properly and get what you are delivering to them. The new knowledge acquired is related to previous acquired knowledge. ठीक है, इसमें डेफिनेटली यही है कि जब हम जो MLT में पढ़ के आए हैं और उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, जो चीज़ें होंगी उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हमें बेस मिल जाता है MLT से, और ULT में हम और ज़्यादा उनको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. ये द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बाई रोट. ठीक है, यहाँ बहुत सारे जितने भी टीचिंग मेथड्स आपको मिलेंगे, चाहे वो हर्बर्टेरियन अप्रोच होगी या फाइव ई मॉडल रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स जो है वो आप यूज करेंगे इसमें. ठीक है, हियर दे लर्न बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग देयर यूज एंड पर्पस. यूज एंड पर्पस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज दिस इज द प्राइमेसी ऑफ द स्टूडेंट्स. इफ यू वॉन्ट टू डिलीवर मटेरियल टू द स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू need to clarify that whether the students have needed or not. If you are providing information to your students, that is probably best for the students, because if you are preparing such kind of students that is not skillful according to the market need, your teaching is absolutely wrong or not essential. राइट, सो रूट मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट इन्फॉर्मेशन बिट. ठीक है, यहाँ फैक्ट और बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन रूट मेमोराइजेशन की रहती है. ज्यादातर चीजें जो क्या होती हैं, फैक्टफुल रहती हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल के साथ उनका यूज और एप्लीकेशन जो है बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं. राइट, नाउ विल टॉक अबाउट द डीमेरिट्स. राइट, वट आर द डीमेरिट्स ऑफ MLT लेवल. ठीक है, MLT लेवल की डीमेरिट्स देखेंगे. टीचर At this level is subject centered. यहाँ क्या होता है, हम एक तरफ जाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, there is no interaction between the teacher and the student at this level. किसके लिए no interaction का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, teacher के साथ बात ही नहीं हो रही है student की. But main thing is that here the interaction will takes place only the subject concerned. ऐसा नहीं है कि biology का student जो है फिर mathematics भी पढ़ेगा, right? अगर biology का teacher है वो आपको bio पढ़ाएगा. So here क्या रहता है कि specialization हो जाता है चीजों का. ठीक है,
तो एक कुछ सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर बंच ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको आपको चुनना रहता है यहाँ पर, ठीक। तो ये उस चीज की बात करी जा रही है यहाँ पे। दिस इज द टाइप ऑफ टीचिंग इज मास्टरी इज एम्फेसाइज्ड, मतलब आप कोई भी चीज जो सीख रहे हैं उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सीख रहे हैं, मास्टरी ऊपर द स्किल आपकी रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखने हैं, यू आर गोइंग टू लर्न द मैथमेटिकल ऑपरेशन, यू हैव टू बी मास्टर ऑन ऑल फोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। हियर द स्टूडेंट्स बिहेव स्टूमुलस रिस्पॉन्स टाइप ओनली, जो स्टूडेंट से पूछा जाएगा वही स्टूडेंट जो है इसमें जवाब देंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी, काफी कम डिमेरिट्स हैं इनकी। इनकी डीमेरिट्स भी ये समझ लीजिए कि जो यूएलटी लेवल की हैं वो उनकी मेरिट्स ही हैं अगर एक तरह से देखा जाए, लेकिन हम अगर डीमेरिट्स की बात आएगी तो जो लेस इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको हम डीमेरिट्स में डालते हैं। सो हमने इनको डीमेरिट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? ये लेवल जो है वो सबसे हायर लेवल है, सबसे बड़ा वाला लेवल है जिसकी हम बात करते हैं। इससे बड़ा कोई भी लेवल नहीं होता है। अब क्या है ये? इम्प्लीमेंटेशन की साइट है। इसके प्रोपोनेंट कौन है? हंट, ठीक है। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। दिस लेवल इज आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल का क्या मतलब होता है? अंतर्निहित ज्ञान, मतलब द थिंग्स आर रेसाइडिंग इन साइड यू, द वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन whether they are in the form of graphs, they are in form of various tables, and you are doing the introspection through that you are coming a certain point of inferences, right? So this is the highest level. Inculcate MLT and RLT also. इनमें दोनों ही होती हैं, because MLT and ULT level provide the base for RLT, right? Reflecting something means give careful, thoughtful something over period of time, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजों को जो through process आपको सीखा हुआ होता है, ये एक लंबा process है, ठीक है, जो last में हमें MLT और ULT complete करने के बाद मिलता है। It is also means thinking deeply about something, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाइएस्ट लेवल विच टीचिंग इज कैरियड आउट। इफ वी टॉक अबाउट द टीचिंग लेवल्स, ऑल थ्री इंपॉर्टेंट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल इज द वन ऑफ हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लेवल्स, राइट। द वेरी फर्स्ट लेवल इज एडीएल, फॉलोड बाई एमएलटी, फॉलोड बाई यूएलटी, एंड फाइनली वी रीच अप टू द RLT level, that is called reflective level of teaching, right? It is the highest thoughtful and useful. The student can attain this level after going through memory level of teaching and understanding level of teaching, right? The teaching are reflective enables the student to solve the real life problem, okay? And using the critical abilities succeeded to solving the problem. Here the student is having experience of various kind of the problem to solve at a certain extent. So having the experience, he will be able to solve out the various problem to whom he didn't face at any time on the behalf of experience to solving out the other problems. At this level, emphasis is laid identify to the problem. Identifying it is finding a solution. The student's original thinking and creative ability are developed here. The role of teacher is in this level is democratic or even just supervisor or putting a little bit help if the student need. He does not force for to getting the knowledge to the students but develop their talents and capabilities. The role of a student is just quite active. Reflective level of teaching in which the problem centric and student busy in original imitation.
सिर्फ इमिटेशन की बात नहीं होती है यहाँ, ओरिजिनल इमिटेशन कि किस तरह से उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वी कैन ऑल्सो फिगर आउट इट. लाइक द क्लासरूम एनवायरमेंट इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट. ठीक है, इस टाइप में आप रिसर्च स्कॉलर्स की बात कर सकते हैं, इसमें आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं इफ दे आर वर्किंग ऑन दियर स्मॉल काइंड ऑफ असेसमेंट और डिसर्टेशन. राइट, सो दिस इज आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल. ठीक है, इनको समराइज करते हैं बहुत जल्दी से, छोटे छोटे पॉइंट्स में जो मैंने पहले कहा था वही उसको छोटे से उसमें लिखा हुआ है. दिस लेवल इज आल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल. कुछ कुछ चीजें जिनको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ उनको आप याद रख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन इस लेवल से आएगा तो आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी काफी. सो रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉटफुल इनटू समथिंग ओवर अ पीरियड. राइट, इट इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड एमएलटी लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सेंट्रिक टीचिंग. राइट, टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ दिस टीचिंग आर प्रॉब्लम रेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग. अच्छा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि प्रॉब्लम रेजिंग, ज्यादा प्रॉब्लम रेज नहीं करी जाती है, मोस्टली हम करते क्या है, हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढते हैं. तो फाइंड आउट प्रॉब्लम इज मच बेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉब्लम रेजिंग. राइट, सो टीचर क्रिएट्स द प्रॉब्लम बिफोर टू स्टूडेंट्स और द लर्नर्स विच क्रिएट मच टेंशन इन द लर्नर. दे स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय फॉर्मुलेटिंग टेस्टिंग एंड द रिजल्ट ऑफ दियर मोटिवेशन एंड एक्शंस. द टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल्स द स्टूडेंट सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम. ठीक है, ये सिर्फ इमिटेशन नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे कि रियल इमिटेशन पे काम होता है इसमें. ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन दिस लेवल द स्टूडेंट फेस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस. ठीक है, द स्टूडेंट्स बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन यूजिंग दियर क्रिटिकल एबिलिटीज फॉर सक्सेसफुल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. द क्रिएटिंग फील्ड थियोरी प्रोवाइड्स द support of the reflective level of teaching and learning. The methods of teaching in this frame of reference become inquiry into the problem. ye statement bhi aap yaad rakhe, inquiry into problem and their solution. It assumes spontaneous interchange between the teacher and student. Right, so more reflective levels of teaching. अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में जो मेरिट्स हैं. यहाँ क्या होता है, टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक. इसमें क्या होता है, इट इज लर्नर सेंट्रिक. ठीक है, जो लर्न करना चाहता है वो यहाँ से सीखता है, और हम बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम सेंट्रिक. ठीक है, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड टॉट are at reflective level of teacher. At this level, the teaching is inappropriate for the higher classes. At this level, the teaching is highly thoughtful and useful than that the teaching at memory level and understanding level. ठीक है, demerits, not suitable for small childs and lower classes for teaching, and they are suitable only for mentally matured children. ठीक है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब वो वाली लेवल खराब है, सारी लेवल्स एज के हिसाब से हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से है कि किस तरह की सिचुएशन में आप हैं. ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कि टीचिंग का कोई भी एक मेथड सारे स्टूडेंट्स पे लागू नहीं हो सकता. ठीक है, एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नेदर ऑर्गेनाइज्ड नोर प्री प्लान्ड. अब ये क्यों नहीं होता, लैंड होती हैं चीजें, लेकिन अब इस लेवल पे होता क्या है, जैसे एक रिसर्चर है फॉर एग्जांपल, वो क्या कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करते करते उसने कुछ वेरिएबल्स माने हुए हैं, कुछ फिक्स वेरिएबल हैं, कुछ चेंजेबल हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, उसका एक वेरिएबल जो कंट्रोल्ड वेरिएबल था वो किसी वजह से वो अनकंट्रोल्ड हो गया. ठीक है, तो इस टाइम में क्या क्या करेंगे, ये तो प्लांड नहीं था,
पहले से हमने प्लान किया हुआ था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स किया हुआ था, राइट। हमने एक बॉक्स लिया हुआ था बहुत बड़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आप ये समझ लीजिए एक प्लेन में आप जा रहे हैं और प्लेन में सारी चीज अच्छे से मैनेज की हुई थी, ठीक है, एंड जो प्रेशर लेवल था वो भी अच्छे से मैनेज था अंदर, और सडनली ऐसा होता है कि कुछ ऐसा लगता है आके, क्योंकि कांच के ही होते हैं शीशे तो उसके, तो उस पर लग जाता है आके और उसमें एक होल हो जाता है। अब क्या होगा, तो प्रेशर लेवल वहां पे अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज घटित हो जाना, तो उसके साथ कैसे डील करना, ठीक है, ये काम यहाँ पे होता है। सो देयरफॉर द स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर द सिस्टमेटिक एंड रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज ऑफ दियर कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स टाइप की चीज जो होती है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आके आपकी खत्म हो जाती है। रिफ्लेक्शन से ही आप समझ सकते हैं कि जो चीजें आपने पहले सीखी हुई हैं अब क्या करना है, उनका आपको बेस्ट यूज करना है। जो आपने बेस लेवल एमएलटी लेवल एडीएल में और यूएलटी लेवल में बनाया हुआ था, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हुई थी, जितनी भी इंफ्रेंसेस आपने निकाले थे, जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव और टैक्टिस डेवलप की हुई थी आपने, आपने उसका बेस्ट यूज करना है यहाँ पे, किसमें, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। तब जाके आप क्या कर पाएंगे, आप कह पाएंगे कि आप सक्सेसफुली जो है वो डिलीवर कर रहे हैं या डील कर रहे हैं किसके साथ, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के साथ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक हो सकता है मेरी और तबीयत अच्छी हो जाएगी तो रेगुलर क्लासेस फिर हम लोग करेंगे। Wish you best of luck for coming classes and for good health.